वेबसाइट स्पीड क्या होती है और आपकी रैंकिंग में कैसे बेनिफिशियल होती है। वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए कौन से वर्डप्रेस प्लगइन्स आपको चाहिए होते हैं। आइडियल लोडिंग टाइम वेबसाइट का क्या होता है और इसको चेक करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट के स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्लाउडफ्लेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्लाउडफ्लेयर यूज़ क्यों करना चाहिए। आइडियल लोडिंग टाइम लेने के लिए वेबसाइट की इंपॉर्टेंस क्या है और कौन से वेब होस्ट आपको अच्छी लोडिंग टाइम दे सकते हैं। चाहे आपका ई कॉमर्स स्टोर है, गूगल एडसेंस की मोनेटाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट है, इन तमाम वेबसाइट्स की लोडिंग स्पीड कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पेज लाइक नहीं किया तो उसको लाइक ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। अगर अब भी इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने किस स्पेशल चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये इस वीडियो का टाइम स्टैम्प है। इसमें से आप इस टाइमिंग पे जाकर इस वीडियो के स्पेशल सेक्शंस वॉच कर सकते हैं। टाइम शॉट को गौर से देखें और अपनी मर्जी की जिस चीज़ के बारे में आप स्पेशल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको जाकर वॉच करें। इस वीडियो से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं, आपकी पेज की स्पीड कितना अहम रोल रखती है आपको रैंकिंग लेने के लिए। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसके सारे फैक्टर्स फुलफिल जरूर करें, क्योंकि अगर हम टॉप 5 SEO फैक्टर को एनालाइज करते हैं तो उसमें पेज स्पीड का रोल सबसे टॉप पर है। 17 जनवरी को गूगल ने एक अपडेट प्रेस रिलीज गूगल की तरफ से रिलीज की गई, जिसमें उसने मेंशन किया आइडियल लोडिंग टाइम के फैक्टर को फोकस किया और कहा गया कि ये किसी भी टाइम लाइव हो जाएगी। ये अपडेट 9 जनवरी को अप्लाई कर दी गई गूगल की तरफ से। इस चीज की वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप सर्च कंसोल में एक स्पेशल सेक्शन भी गूगल ने मेंशन कर दिया है जहां पर आपके पेजेस की रियल टाइम स्कोर बता रहा होता है, और अगर आपका कोई पेज स्लो लोडिंग टाइम का फैक्टर फेस कर रहा है तो उसको भी अलग से हाईलाइट कर रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये स्कोर्स कहां से चेक किए जाते हैं और किन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आपने इन स्कोर्स को लेना होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, गूगल पेज स्पीड स्कोर। इसका आइडिया स्कोर 75 प्लस होना चाहिए। जब अपनी वेबसाइट यहां पर एंटर करते हैं वहां पर आपको बहुत सारे फैक्टर्स दिखा रहा होता है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट को पास करना होता है। अगर आपकी वेबसाइट वो तमाम फैक्टर पास कर लेती है तो आपको एक अच्छा स्कोर मेंशन किया जा रहा होता है वहां पर। आइडिया स्कोर गूगल पेज स्पीड का 75 प्लस सफिशिएंट होता है एक एवरेज वेबसाइट के लिए। इसको फॉलो इसलिए करना होता है क्योंकि गूगल सर्च में भी इसी के स्कोर को कैरी फॉरवर्ड कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे आता है जीटी मैट्रिक्स। इसमें भी आप अपनी वेबसाइट एंटर करते हैं और ये आपको स्कोर बता रहा होता है आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। इसका आइडिया स्कोर भी 90 प्लस होता है। ये दोनों स्कोर जो आइडो डेस्कटॉप के हो चाहे वो मोबाइल के हो, वो अप्रोक्सीमेटली 90 की रेंज में होने चाहिए। थर्ड पे आता है पिंगडॉम। इसमें भी सेम दोनों की तरह आप एनालाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को और इसका आइडिया स्कोर 75 प्लस होना चाहिए। ये आपको ये भी बताता है कि आपके SSL अगर आप यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, HTTPS यूज कर रहे हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वेबसाइट को। आइडियल लोडिंग टाइम देने के लिए वेबसाइट की आइडियली स्पीड भी होनी चाहिए और उसकी 90% चीजें डिपेंड करती है अगर आप बहुत ही अच्छा थीम सेलेक्ट करते हैं। थीम ही आपको एक आइडिया स्कोर लेने पर 70% मदद करता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कौन सी थीम आपको अच्छा स्कोर देगी तो मैं जेनियसेस रिकमेंड करता हूं। और दूसरे नंबर पे प्लगइन इंस्टॉल करते हुए भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ये प्लगइन ही पीछे रिसोर्सेज लेते हैं और आपकी एक्स्ट्रा फाइल्स जनरेट कर रहे होते हैं जिनको लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तो आपने हमेशा वही प्लगइन यूज करने हैं जो आपकी बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि कौन से प्लगइन यूज करने चाहिए। W3 टोटल कैशे और फास्टेस्ट कैशे ने भी अपना बेसिक वर्जन दिया हुआ है जिसको आप इंस्टॉल करके अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इसके मोस्ट ऑफ फंक्शन फ्री ऑफर कर रहा होता है। उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो WP रॉकेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। WP रॉकेट पेड वर्जन है, पर इसकी एक फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखी है, आप इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपको आइडियल स्कोर तक ले जाने में बहुत ज्यादा बेनिफिट रखेगा। दूसरा प्लगइन जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है लाइट स्पीड। लाइट स्पीड के बेसिक फंक्शन फ्री प्लगइन में काम कर लेते हैं। अगर आप इससे बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको सर्वर भी ऐसा ही चाहिए जिसके ऊपर लाइट स्पीड इंस्टॉल हुआ हुआ हो, तब यह बहुत अच्छे से काम करता है और आइडियल स्कोर आपको अचीव करके देता है।
ये सारे प्लगइन्स बेसिकली क्या काम करते हैं, इसके अंदर आपके CSS को कंप्रेस करके मिनीफाई कर देता है, उसके बाद आपके जितने जावास्क्रिप्ट उस थीम को बना रहे होते हैं उसको भी मिनीफाई कर देता है। आपकी पिक्चर्स, अगर आपके पेज के ऊपर ज्यादा पिक्चर्स यूज कर रहे हैं और आप उसको कम नहीं कर सकते, तो आप लेजी लोड का फैक्टर इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी स्पीड रिसीव होती है। उसके बाद आप अपनी HTML को भी इन्हीं प्लगइन से मिनीफाई कर देते हैं, जिससे आपकी लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने इस प्रोसेस से गुजरना है और कैसे रिजल्ट्स लेने हैं। नंबर वन, अगर आप WP Rocket यूज कर रहे हैं, लाइट स्पीड यूज कर रहे हैं, तो आप अपने CSS को मिनीफाई करेंगे। उसके बाद स्टेप टू में भी आप अपनी JavaScript को मिनीफाई कर देंगे। अब फिर आपने स्टेप बाय स्टेप CSS और जावा दोनों को कंबाइन कर देना है। उसके बाद आपने टेस्ट जरूर करना है स्टेप बाय स्टेप करके कि आपकी थीम कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही। अगर आपकी थीम ब्रेक हो रही है तो आप पहले जावास्क्रिप्ट के कंबाइंड फंक्शन को ऑफ करेंगे और उसके बाद CSS के कंबाइंड फंक्शन को भी ऑफ कर देंगे। क्लाउडफ्लेयर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लाया वेबसाइट लोडिंग टाइम में। क्लाउडफ्लेयर बेसिकली अपने क्लाउड सेंटर जो उसके मल्टीपल लोकेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड बने हुए हैं, वहां आपकी थीम फाइल्स या जो भी फाइल्स आप वहां पर रखना चाहते हैं वो आपके उन सेंटर्स में रख देता है। उससे ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट ओपन होती है, सपोज आपकी वेबसाइट पाकिस्तान में ओपन हो रही है, तो उसका नियरेस्ट लोकेशन अगर सिंगापुर में अवेलेबल है तो आपकी थीम फाइल्स वो वहां से फेच कर रहा होता है और आपकी टेक्स्ट फाइल्स आपके सर्वर से फेच कर रहा होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टाइम को कंप्रेस कर देता है और आपको एक आइडियल स्कोर रिसीव हो जाता है। उसके अलावा आपको क्लाउडफ्लेयर फ्री SSL भी देता है, जिसको आप अप्लाई करके SSL कनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिंगडॉम आपके SSL स्पीड को भी बता रहा होता है, तो आप उसके SSL को भी अप्लाई करके बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर डेडिकेटेड SSL भी दे रहा होता है, पर अगर आपके पास बजट है तो मैं रिकमेंड यही करता हूं कि आप SSL का डेडिकेटेड SSL ही अपनी वेबसाइट पर यूज करें। उसके अलावा क्लाउडफ्लेयर भी आपके जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS को मिनीफाई कर रहा होता है। एक्स्ट्रा फंक्शन रॉकेट लोडर बहुत अच्छे से काम करता है क्लाउडफ्लेयर का, इसको भी जरूर यूज करना चाहिए, जो कि आपके स्क्रिप्ट्स को बहुत ज्यादा पावरफुली और विद इन नो टाइम लोड कर रहा होता है। अगर आप क्लाउडफ्लेयर का फ्री प्लान यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 पेज रोल बना सकते हैं। पेज रोल ये करते हैं कि आप अपनी मर्जी की फाइल जो आप समझते हैं, जो आपने GT Matrix से या किसी भी टूल से वो फाइल्स निकाली हैं जो वेबसाइट को लोड करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही हैं, उसको आप पेज रोल के थ्रू क्लाउडफ्लेयर के अंदर सेट कर देते हैं, यानी कि क्लाउडफ्लेयर के पास वो अपनी फाइल्स रखवा देते हैं, उससे लोडिंग टाइम आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। और इसमें सबसे अच्छा फंक्शन जो मुझे बहुत पसंद है, वो आपके IP को प्रॉक्सी कर देता है, यानी कि आपकी IP हिडन हो जाती है गूगल से। मतलब फ्रंट एंड पे अगर आप कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, सपोज आप LeafDNS यूज कर रहे हैं, तो आपको जब आप अपनी ए रिकॉर्ड देखते हैं तो वहां पे आपके सर्वर के IP की जगह क्लाउडफ्लेयर की IP आ रही होती है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कि बहुत ज्यादा मल्टीपल साइट चला रहे होते हैं एक ही होस्टिंग पे, और अगर वो सेम नीच के ऊपर भी मल्टीपल साइट चला रहे होते हैं तो इस तरह अपनी IP हाइड कर देते हैं, तो उससे आपकी तमाम साइट्स की रैंकिंग भी इंप्रूव रहती है। लाइट स्पीड आपके सर्वर में अगर है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसको यूज करेंगे, उसके तमाम फंक्शंस पे आपको फुली कंट्रोल होगा। आप सेटिंग्स में जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगी, वन बाय वन आप हर ऑप्शन को पढ़ें, उसमें वो तमाम फंक्शंस हैं जो आपको साथ साथ बता रहे होते हैं कि किस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। CSS, जावा और HTML को मिनीफाई वो कर ही रहा होता है, पर उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। जो पर्सनली मुझे पसंद है वो है पिक्चर्स को अपने सर्वर पे होस्ट कर देता है, जिससे आपको एक बहुत अच्छा लोडिंग टाइम अचीव होता है। गूगल पे स्पीड में जब आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर रहे होते हैं और अगर आप ज्यादा पिक्चर्स यूज कर रहे होते हैं, तो वो आपको कहता है कि वेबपी वर्जन यूज करें। लाइट स्पीड आपको वेबपी वर्जन बनवाता है और बनाने की ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करें, उस चीज के ऊपर पढ़ें कि कैसे इंपॉर्टेंस रख सकता है आपकी वेबसाइट के लिए। उसके अलावा मैम कैशे का एक प्लगइन सर्वर में इंस्टॉल होता है लाइट स्पीड के साथ, जो कि आपकी टेंपरेरी फाइल्स रैम में रखता है। उस वेबसाइट को हर दफा जब ओपन होने के लिए प्रोसेस नहीं चाहिए होता है, जब रैम में आपकी चीजें पड़ी होती है तो आपको बहुत अच्छा लोडिंग टाइम ला कर दे रही होती हैं। उसके अलावा क्रिटिकल CSS जनरेट करने की भी इसमें ऑप्शन है, जिसमें आपका कंटेंट पहले लोड होता है और आपकी थीम की फाइल्स बाद में लोड होती हैं। गूगल का कंटेंट पहले लोड होता है तो आपको स्पीड में बहुत ज्यादा नंबर दे देता है। उसके बाद डेटाबेस ऑप्टिमाइजर भी है, जिसमें आप जितने भी अगर वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, जो आपकी रिविजन्स बन रही होती हैं पोस्ट की या कॉमेंट्स की या कोई और ट्रांजिशंस बन रही होती हैं, उसको भी आप वन क्लिक सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
SSL बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि Cloudflare भी अपना डेडिकेटेड SSL देता है, क्योंकि Google ने जुलाई 2018 में जब Chrome 68 वर्जन अपडेट किया तो उसने बकायदा एक वार्निंग शो कराने लग गया ब्राउजर में अपने विजिटर को कि आपकी वेबसाइट अगर SSL पे होती है तो वो एज अ सिक्योर्ड वेबसाइट उसको काउंट कर रहा होता है, और अगर SSL पे नहीं होती है और नॉट सिक्योर्ड का बैज आपकी वेबसाइट को दे देता है। यह स्टार्ट हुआ था जब पेमेंट वेबसाइट थी वो SSL यूज करती थी ताकि हैकिंग से बचा जा सके और कोई मिसलीडिंग ट्रांजेक्शन ना हो। ये गूगल को बहुत ज्यादा पसंद आया और उसने ऑफिशियली अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, पर इसकी वेटेज जरूर मिलती है। आपके विजिटर पे एक ट्रस्ट आप छोड़ देते हैं SSL जब आपकी वेबसाइट पे लगा होता है। ये फ्री SSL भी आपको अवेलेबल हो जाता है, जरूरी नहीं कि आप पेड SSL भी लें। पेड SSL के भी फायदे होते हैं, पर फ्री से ब्लॉग्स में आपका काम चल जाता है। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो SSL जरूर यूज करें, और मैं रिकमेंड यही करता हूं कि उसके ऊपर पेड जरूर यूज करें, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम आपके SSL के ऊपर शो हो रहा होता है और उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। आपके यूजर्स पर एक ट्रस्ट शो करते हैं आप। नॉर्मली जब आप किसी होटल्स में जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं और अगर वो SSL पे नहीं होती है तो वो एड्स और इस तरह की फिशिंग या मालवेयर जैसी चीजों को शो करा रहे होते हैं। तो जब आपकी वेबसाइट SSL पर होती है तो इस तरह की कोई भी चीज आपकी वेबसाइट पर नहीं अप्लाई होती है। इस एग्जाम्पल सेम इसी तरह है, जब गूगल ने अपडेट की थी कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए तो अब SSL भी इसी तरह मैक्सिमम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली 60-70% ट्रैफिक SSL पे ट्रांसफर हो चुकी है। अच्छी लोडिंग टाइम देने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी होस्टिंग है। आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे होस्टिंग कंपनीज मिलेंगी जो कि आपको लाइट स्पीड ऑफर कर रही होंगी, पर मैं रिकमेंड करता हूँ सिंबल होस्ट को, जिसको लेके चल रहे हैं हमजा अरशद। ये बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको होस्टिंग देते हैं और वो लाइट स्पीड सर्वर ही होता है और आपको बहुत अच्छी लोडिंग टाइम वहां से मिल जाता है। ये पाकिस्तानी है और इसलिए मैं पाकिस्तानियों को सपोर्ट करता हूँ और मैं खुद भी इन्हीं की सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, और आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इन्हीं से ही होस्टिंग सर्विसेज लें अगर आप कंफ्यूज हैं मल्टीपल होस्टिंग्स में। उसके बाद जब आप स्कोर एनालाइज कर रहे होते हैं तो कुछ फैक्टर्स बच जाते हैं। सपोज जैसे कि आपने गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे होते हैं, गूगल एडसेंस का कोड यूज कर रहे होते हैं, या अमेजॉन प्रोडक्ट लगाने के लिए आपको प्लगइन यूज कर रहे होते हैं, वो चीजें आपके पास बच जाएंगी। उनका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो नेसेसिटी है आपकी वेबसाइट के लिए। सिर्फ इनको छोड़ के बाकी चीजें जो भी आपको नजर आती हैं उनको आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे थ्रू लेवरेज ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप ब्राउजर कैशे के सिस्टम्स को भी यूज करके उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक और तरीका लाइट भी आपको देता है कि आप DNS प्रीफेच करवा सकते हैं आपके एक्सटर्नल URL के थ्रू, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस मेथड के थ्रू भी अगर आप लाइट स्पीड यूजर हैं तो आप DNS प्रीफेच करा सकते हैं। ये थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो। अगर मैंने कोई क्वेश्चन आपका मिस कर दिया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में जरूर पेस्ट करें। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। जाने से पहले जरूर चेक कर लें कि आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है और Facebook पेज लाइक किया है और Instagram पे भी फॉलो जरूर रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।